हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब सेफ होंगे। सो चलो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। में से बहुत सारे लोग इस चीज के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड हैं कि बीटीएस का कोलैबोरेशन किसी इंडियन आर्टिस्ट के साथ होगा फ्यूचर में कि नहीं होगा, एंड अगर बीटीएस का कोलैबोरेशन किसी इंडियन आर्टिस्ट के साथ होगा या इंडियन सिंगर कंपोजर या फिर सॉन्ग राइटर म्यूजिशियन के साथ होगा तो वो कौन ऐसे होंगे जिनके साथ हमें बीटीएस का कोलैबोरेशन देखने को मिलेगा। सो फाइनली इस पे थोड़ी बहुत हिंट देते हुए अरमान मलिक, एंड जिन लोगों को नहीं पता अरमान मलिक, वैसे मुझे इनके बारे में बताने की कुछ भी जरूरत नहीं है क्योंकि अगर आप बॉलीवुड सॉन्ग सुनते हैं, एंड मैं इस पे स्पॉटिफाई पर म्यूजिक और सॉन्ग सुनना पसंद करती हूँ, मैं वैसे म्यूजिक वीडियोज नहीं देखती हूँ बहुत ज़्यादा, तो मुझे आइडिया नहीं रहता एक्टर के बारे में, बट मुझे सिंगर के बारे में काफ़ी आइडिया रहता है क्योंकि मेरे कहीं ना कहीं फेवरेट अरमान मलिक भी हैं जिनका मैंने सॉन्ग काफ़ी बार सुना हुआ है, एंड उनकी आवाज़ मुझे पर्सनली अच्छी लगती है। सो सिंगर एंड म्यूजिशियन अरमान मलिक के साथ फ्यूचर में बीटीएस का कोलैबोरेशन हमें देखने को मिल सकता है, एंड ये काइंड ऑफ गुड न्यूज़ इसलिए भी है क्योंकि एक वही आर्टिस्ट हैं पूरे बॉलीवुड से जो काफ़ी टाइम से ये चीज़ कहते आ रहे हैं कि हम जल्द ही बीटीएस के साथ या फिर किसी केपॉप आर्टिस्ट के साथ कोलैबोरेशन करना चाहते हैं। अगर सब कुछ सही रहा तो हम इन फ्यूचर डेफिनेटली उनके साथ कोलैबोरेशन करेंगे। एंड अभी रिसेंटली अरमान मलिक ने लाइव आकर भी ये सारी चीज़ें कही। जब उनसे लाइव में ये चीज़ें पूछी गई आर्मी के थ्रू कि आप बीटीएस के साथ कब कोलैबोरेशन करने वाले हैं, एंड उनके साथ हमें कब म्यूजिक वीडियो में आप दिखेंगे या फिर बीटीएस के म्यूजिक वीडियो में आप सॉन्ग देते हुए या म्यूजिक देते हुए दिख जाएंगे, तो इसका आंसर देते हुए अरमान मलिक ने बोला कि वैसे मैं इस चीज़ के लिए बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, लेट्स सी कि इन फ्यूचर में कब ये सारी चीज़ें एंड कब मैं आपको इस गुड न्यूज़ के बारे में जल्द ही बताता हूँ, क्योंकि मुझे भी इस चीज़ का इंतजार है कि कब मैं बीटीएस के साथ और अदर आर्टिस्ट के साथ जल्द ही कोलैबोरेशन करूँ, एंड मैं इस चीज़ के लिए भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ कि कब इंडियन एंड कोरियन म्यूज़िक आपस में कोलैब करें एंड हमें दोनों के ऑसम म्यूज़िक को सुनने का मौका मिले। तो उसके साथ साथ कई सारे आर्मी ने ये भी पूछा कि आपका फेवरेट आइडल बीटीएस में कौन है, यानी कि आपका बायस कौन है, तो इसका आंसर देते हुए अरमान मलिक ने बोला कि जंगकुक मेरा बायस है क्योंकि मुझे जंगकुक की वॉइस बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है। उसके साथ साथ मैंने पास्ट में एरिक के साथ किया हुआ है, सो मेरा फ्यूचर प्लान यही रहेगा कि कब मैं एक्सो और बीटीएस के साथ जल्दी कोलैबोरेशन करूं। सो ये काइंड ऑफ गुड न्यूज़ बोल सकते हैं उन सभी के लिए जो चाहते हैं कि इंडिया में एक आईपॉप बने या फिर कोरिया में इंडियन आर्टिस्ट जल्दी से जल्दी अपना कोलैबोरेशन करें उनके साथ, एंड बीटीएस के साथ करेंगे तो डेफिनेटली इंडियन आर्मी के लिए और भी ज़्यादा प्राउड मोमेंट होगा। सो देखते हैं ये सारी चीज़ें कब होती हैं, जैसे ही होगा मैं आपको तुरंत सबसे पहले न्यूज़ दूंगी। आई होप कि आप उस चीज़ के लिए डेफिनेटली वेट करेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर नाउ। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, एंड अगर लगा तो डेफिनेटली लाइक करना। मैंने इंस्टाग्राम में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, आप मुझे वहाँ पर भी फॉलो कर लेना। आप अपना ख्याल रखना। बाय बाय, स्टे ट्यून्ड फॉर मोर अपडेट्स। We'll be right back.